हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ घोड़ी की क्लीनिंग बताऊंगी, साफ सफाई हम कैसे करते हैं पाया की। तो चलिए, ये खस्सी का है तो इसको क्लीनिंग करना मैं बताऊंगी। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि इसको क्लीन कैसे करें सही तरीके से, साफ तरीके से। तो चलिए मैं अलग आइडिया बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने 20 पीसेस लिया हुआ है पाया। यहाँ देखिए, इसको हम सफाई कैसे करेंगे वो बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसको हम बनाएंगे कैसे, इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए इसको सफाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस जलाएंगे, गैस जलाते हैं। यहाँ से हमने बड़ी वाली चूल्हा ले लिया है। उसके बाद इसको थोड़ा कम कर देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक कढ़ाई डालेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, ये हमने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे पानी, तो वो मैं पानी डालती हूँ, डाल देंगे। इसको हम हीट होने देते हैं, फिर इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे। तो ये अच्छे से हीट हो जाएगा, खोल जाएगा। उसके बाद हम क्लीनिंग पानी से ही करेंगे ताकि बिल्कुल साफ रहे। यहाँ पानी हीट हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से घोड़ी को डालना है। ये देखिए, डालने के बाद इसकी क्लीनिंग हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखिए, अब इसको हम एक चाकू लेंगे, चाकू की हेल्प से इसको सफाई करेंगे। ये देखिए, आसानी से ये छिलका इसका जो ऊपर का होता है ये उतर जाएगा। तो पूरा को हम इसी तरह उतार लेंगे। तो देखिए कैसे उतारते हैं। पानी को खोलते रहने देना है। तो इसी तरीके से हम सब मिलकर इसको हटाएंगे। ये देखिए, चाकू की हेल्प से बिल्कुल सफाई से पूरे को हटाएंगे। खौलता हुआ पानी रहेगा तो आपकी सफाई अच्छे से हो जाएगी। अच्छे तरीके से उतार देना है। पूरा को हटा देना है। उसके बाद यहाँ वाला जो होगा, ये वाला जो पार्ट्स होता है, इसको हमें चाकू से निकाल देना है। ये देखिए, ये गर्म पानी में डालते खुद निकल जाती है। ये देखिए पूरा, उसका जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम फिर से पानी में डाल देते हैं, खोला हुआ पानी के अंदर। उसके बाद इसको एक्स्ट्रा को इसको थोड़ा देर के लिए इस तरीके से इसमें डुबोएंगे। और फिर ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा है, ये देखिए कितने अच्छे से ये क्लीनिंग हो गई है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये पूरे क्लीनिंग हम करके दिखाएंगे। इसी तरीके से हम सारे को पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, इसका पूरा बाल उखाड़ देते हैं ये, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको ऊपर वाले ब्लैक वाले हेयर को हटा दिया है जो पाया में रहता है घोड़ी में। अब इसको हम आग पे इसको हम झुलसते हैं, जिसे हम बोलते हैं। तो उस पर हम एक रोटी सेकने वाला जो होता है वो रख लेंगे, उसके बाद आग पे इसको झुलसेंगे। तो चलिए झुलसना दिखाते हैं। हम झुलसेंगे तो जो भी छोटे छोटे इसमें बचा हुआ है वो अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो उसकी नेक्स्ट रेसिपी में मैं बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे है। तो चलिए, इसको जो छोटे छोटे इसके स्किन हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये सब हेयर जो एकदम बिल्कुल छोटे वाले हैं वो भी निकल जाएगी। तो चलिए वो निकालते हैं। हमने इसको पूरे को क्लीन इसी तरह हमें कर लेना है। तो सारे को मैं इसी तरह क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद इसको आग पे झुलसेंगे, वो भी मैं बताऊंगी। सारे के ब्लैक वाले हेयर को हमने हटा दिया है। ये देखिए, तरीके से ब्लैक वाले हेयर को हमने पूरे को हटा दिया। अब इसको आग पे झुलसेंगे तो ये जो भी छोटी छोटी हेयर बची हुई है वो सारी निकल जाएगी। तो चलिए इसको झुलसते हैं। चूल्हे पे हमें
तरीके से रख लेना है और इसके ऊपर इसको ऐसे जो भी ब्लैक वाला हेयर है उसको हमें जला के क्लीन करना है। रेसिपी के साथ इसको बनाना कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट रेसिपी। तो जब तक के लिए बाय बाय।